नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चंदौली समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और सैयद रजा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू बुधवार को एक बार फिर भाजपा सरकार व उनके जनप्रतिनिधियों पर हमलावर रहे। उन्होंने नवीन मंडी का दौरा कर कूड़ा करकट की तरह फेंके गए काला चावल की दुर्दशा को देखा और कहा कि काला चावल को लेकर चंदौली के सांसद, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन वास्तविकता यह है कि जनपद चंदौली के किसानों द्वारा पैदा किया गया काला धान नवीन मंडी में कूड़े की तरह फेंका हुआ है, जिसकी आज के समय में कोई कीमत नहीं है। यह बात दीगर है कि चुनाव आने पर इसी काले चावल को नेता चुनावी मंच से 1500 रुपए किलो बेचने की बातें करते थे, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद किसानों की सुधि लेने कोई नहीं आता। मनोज सिंह डब्लू ने कहा कि एक बार फिर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, अब की बार फिर काला चावल के नाम पर जनपद के किसानों को ठगा जाएगा। डीएम को बजट भेज दिया गया है जिससे काला चावल से नूडल बनाने की योजना है। इसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की चर्चा को बल दिया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि चंदौली जिला प्रशासन इसके लिए जमीन तलाश रहा है, लेकिन चुनाव बीतने के बाद भी यह योजनाओं की तरह यह योजना भी स्थगित व ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। जिला प्रशासन की उपेक्षा के कारण आज चंदौली का एक भी किसान काला चावल की उपज बोने को तैयार नहीं है, क्योंकि 1200 रुपए कुंतल काला धान नवीन मंडी के गोदाम में पड़ा है और किसानों के घर पर भी 2-2 कुंतल काला धान पड़ा हुआ है। मनोज सिंह डब्लू ने कहा कि भाजपा के नेता मंच से बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। कश्मीर पर बयान देने वाले भाजपा के नेता चंदौली के किसानों के मर्म को भूल गए। ये वही लोग हैं जो विदेशी खाना खाते हैं, विदेश से आए पानी को पीते हैं, विदेशी कपड़ा पहनते हैं, लेकिन जब मंच पर चढ़ते हैं तो स्वदेशी की बात करते हैं। इनका दोहरा चरित्र आज देश के किसानों व नौजवानों तक साफ खुल चुका है। 9 साल बेमिसाल का नारा देने वाले चंदौली के सांसद व भाजपा के स्थानीय विधायकों को नवीन मंडी आकर कूड़े की तरह पड़े किसानों के काला चावल की उपज को जरूर देखना चाहिए और इस दुर्दशा के लिए उन्हें किसानों से माफी मांगनी चाहिए। इस अवसर पर नंद कुमार राय, गुड्डू सिंह, अमित उपाध्याय, ब्रजेश चौरसिया, लक्ष्मण बिंद, अजहर, अभिषेक सिंह, दयाराम यादव सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज मैं आया हूं मंडी परिषद में। जैसे कि मैं बताया कि 9 चंदौली के 9 नाकामी को दिखाने की मैं बात किया था, आज दूसरा दिन है और मैं आया हूं। ये काला सोना जो कहा जाता था चंदौली का, एक काला धान, इसकी स्थिति देखिए, ये कूड़ा करकट जैसा फेंका हुआ है। कभी इसकी दावा होती थी कि 1500 रुपए किलो बिकेगा ये, और चुनाव से पहले हर बार ये 1500 रुपए किलो बिकता है। ये 1200 कुंटल गोदाम के अंदर ही मंडी परिषद में रखा हुआ है और 1200 कुंटल के अलावा गांव में जितने किसान किए थे उसमें से मैं भी हूं, मेरे भी घर में 2-4 कुंटल पड़ा होगा और सभी किसानों के घर में एक काला सोना पड़ा है। बड़ी बड़ी बात होती थी, लेकिन सच्चाई ये है कि यहां पर फेंका हुआ है। यह भी तो किसी किसान का है, लेकिन वो देखने नहीं आया और जानता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन अभी फिर सरकार ने नया गेम खेला है, जिला अधिकारी के पास फंड आके रखा हुआ है कि इसका नूडल बनेगा, इसका प्रोसेसिंग होगा। जमीन चंदौली में ढूंढी जा रही है कि चंदौली में जमीन लेकर इसके लिए नया प्लांट लगेगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज चंदौली का एक भी किसान यह काला धान रोपने के लिए कोई बीज नहीं डाला है। मैं साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और खास करके हमारे यहां के लोकल जो विधायक हैं, आपको याद होगा हम लोग बचपन में एक नारा लगाते थे जब प्रभात फेरी होती थी, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां का हमने पहना,
नीर जहां का हमने पिया, यह नारा याद होगा आप सबों को। और आज यह नारा अब तो मिड्डी खा रहे हैं, मैकडोनल्ड से चल रहा है, नीर बाटल का पी रहे हैं, विदेश से आ रहा है, और वस्त्र जो है वह विदेश से पहनने का काम हो रहा है। इसलिए मैं दिखाने आया हूं कि यह सबसे बड़ी नाकामी सरकार की है। और मैं खास करके कहूंगा माननीय सांसद जी, हमारे देश के आज मंत्री हैं, बहुत बड़े मंत्री हैं, उन्होंने कल एक बयान दिया था कि आज नहीं तो कल पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। तो मुझे भी विश्वास है कि माननीय मंत्री जी कह के गए हैं आज नहीं तो कल ये काला चावल सच में काला सोना कहलाएगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहे थे कि आत्मनिर्भर बनने का काम है। तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और साथ ही मैं कहूंगा कि ये लोग सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं, इसलिए मैं आज ये दिखाने के लिए आपके बीच में आया हूं। जय हिंद।